इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। जबकि अपडेट की बात करें तो कोरोना की मार झेल रही दुनिया में अब एक और बीमारी ने दस्तक दी है। जी हाँ, दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा यूरोप का है, जहाँ शुक्रवार को पहली बार रिकॉर्ड संख्या में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक यूरोप में 100 के करीब मंकी पॉक्स मरीज मिल चुके हैं। तेजी से बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी बैठक की है। इस बैठक में इसे बड़े स्तर पर फैलने से रोकने के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान इस बात पर भी बहस हुई कि क्या मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर देना चाहिए। हालांकि यूरोपियन देशों में मंकी पॉक्स बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इस सब के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बीमारी महामारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के मुकाबले इसका संक्रमण रेट बहुत कम है। रोबोट कोच इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर फेबियन के मुताबिक एपिडेमिक का ज्यादा लंबे समय तक खींचना मुश्किल है। इस बीमारी के मामले को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है और एक जगह तक सीमित किया जा सकता है। वैक्सीन से भी इसके असर को काफी कम किया जा सकता है। रिसर्च के अनुसार स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी 85% तक असरदार है। जय भारत।